शिवपुर में आज कलेक्टर शिवम वर्मा ने नगर पालिका का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान काम में लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। सीएमओ बीडी कतरोलिया और कर्मचारियों को फटकार लगाई। सीएमओ को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। सफाई को लेकर भी निर्देश दिए। रोड निर्माण कार्य के आदेश दिए। राजस्व वसूली, जलकर वसूली के आदेश दिए। साथ ही नगर पालिका के परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि नगर पालिका में पार्किंग की व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए। साथ ही सफाई का विशेष ध्यान रखने को कहा। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान निर्देश दिए कि नगर पालिका में लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाए, उनको ठंडी हवा, पानी का, पीने का ठंडा पानी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने नगर पालिका में लगे वाटर कूलर का पानी पीकर चेक किया कि वाटर कूलर चालू है या नहीं है, पानी ठंडा आ रहा है या नहीं, वाटर कूलर में जो गंदगी थी उसको भी साफ करने के निर्देश दिए। और निरीक्षण क्या है, क्या मामला, किस तरीके से आज आप अचानक यहाँ नगर पालिका पहुँचे? हम लोग हर हफ्ते समीक्षा करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास सबसे अहम विषय है कि जो जल प्रदाय की व्यवस्था उसको सही करना, सफाई सफाई की व्यवस्था और जो राजस्व वसूली है उसको देखते हुए उसी की समीक्षा की गई है। राजस्व वसूली में कुछ कमी पाने पर 2 लोग को एसएन भी जारी किए गए हैं और हम निरंतर इम्प्रूव कर रहे हैं कि हमारी व्यवस्थाएँ बेहतर रहें, ताकि जो नागरिक सुविधाएँ जो हैं समय पर लोगों को मिले और जब नगर पालिका व्यक्ति आए तो उसका काम समय पर हो और बिना किसी असुविधा के हो। साथ ही साथ उनको जो पानी की, पीने का पानी या ठंडी हवा, ये सारी चीज़ें, बैठने की व्यवस्था, ये सब भी दुरुस्त रहे, तो उसी का आज निरीक्षण भी किया जा रहा है। सर, आपने 2 दिन पहले भी शहर में रात को निरीक्षण किया था, निर्देश दिए थे वाटर कूलर को लेकर, क्या वाटर कूलर शहर में गर्मी को चलते हुए शुरू हो पाएंगे? हमारे सारे वाटर कूलर इस समय चालू हो गए हैं। हमने जो कुल वाटर कूलर थे उस दिन शायद 3 वाटर कूलर बचे हुए थे जो कि चालू नहीं हो पाए थे, उनको भी चालू करा लिया गया आज की स्थिति में। आप देख रहे हैं शिवम वर्मा जी ने आज यहाँ दोपहर में पहुंचकर निरीक्षण किया है।